Ravi. Thank you so much. I think that in itself is special. Thank you. जी नहीं, ऐश्वर्या किसी कॉम्प्लीमेंट या किसी अवार्ड के लिए यहाँ थैंक्स नहीं बोल रही, वो तो थैंक्स बोल रही है उस अवार्ड के लिए जिसे उन्होंने अभी तक जीता नहीं है और उसे जीतना शायद उनकी अंदरूनी इच्छा है। दरअसल एक रिसेंटली हेल्ड अवार्ड फंक्शन पर हमने जब ऐश्वर्या से कहा कि वी वुड वांट टू सी हर विनिंग द ऑस्कर, तो कुछ यूं खिल उठा मिसेस बच्चन का चेहरा। अरे थैंक यू सो मच, आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज स्पेशल, थैंक यू। बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा वो जवाब जो हमें मिला इसके बाद। अब ऑस्कर जीतने की इच्छा की लाली तो ऐश्वर्या के चेहरे पर दिखी गई, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि कैसे करेंगी वो ये पॉसिबल, तो विटी मिसेस बच्चन ने दिया कुछ यूं जवाब। आप फिल्म कब बना रहे हैं? नहीं, I'm just asking, like, where's your script? Give it to me. अरे ऐश्वर्या, अगर हम ही स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आपके बाकी के प्यारे डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स का क्या होगा। खैर छोड़िए ऑस्कर्स को, फिलहाल तो आपके हाथ में ये दोनों सैंडल्स के पैर हैं, जरा इसके बारे में बताइए। That's Abhishek and me. We're a pair, so it's sweet. It's I think I'm the only one with the pair, one for each foot, as they were joking. Okay. But I think it's wonderful that they have given us this sweet little memento of appreciation. And I think what makes it really precious is that it's from the biggest jury of all. That's the audience. It's the viewers and the readers who have voted and made this possible. हाँ हाँ ऐश्वर्या, आपके लिए तो फिर भी ये फियरलेस एंड फन फीमेल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना पॉसिबल था, बट अभिषेक भी लेगा यही अवार्ड, दैट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। एनीवेज, तो इस खुशी को किसे करना चाहेंगी आप डेडिकेट मिसेस बच्चन? द परफेक्ट पेयर टू माय ऑडियंस फॉर मेकिंग द पेयर ऑफ अभिषेक एंड मी फील स्पेशल, सो थैंक यू।